हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज प्रिया भार्गव. टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट टू प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग. दिस इज यूनिट टू ऑफ ब्लॉक वन ग्रुप बी एमपीसीई 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पूरा प्रोसेस जो काउंसलिंग का होता है वो कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हमें स्टेप वाइज आगे बढ़ना होता है काउंसलिंग में. तो पहला जो गोल होता है काउंसलर का वो है क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, एक रैपोर्ट स्टैब्लिश करना, एंड दूसरा क्लाइंट को ये बताना कि उसको एक गोल सेट करना होगा. तो क्लाइंट का काम ये है कि वो अपना एक गोल सेट करे. जितना इजीली क्लाइंट अपना गोल सेट कर लेता है उतना ही इजी होता है काउंसलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना. सो जितना स्पेसिफिक गोल होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए. तो क्लाइंट अपना एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम्स नरेट करेगा काउंसलर को और अपने गोल्स बताएगा और उसके हिसाब से काउंसलर उसको गाइड करेगा कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. सो जो प्रोसेस है ये पता लगाने का कि क्या क्या उसके फियर्स हैं और किस तरह का काउंसलिंग उसको हेल्प करेगी, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स काउंसलिंग दिखाएगी, वो सब इस में आएगा. कुछ जो फियर्स सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स को रहते हैं जब वो काउंसलर के पास आते हैं कि अगर उन्होंने अपने पर्सनल चीज़ें डिस्क्लोज कर दी तो क्या क्या हो सकता है. तो जो उनके डर होते हैं, एक होता है अ फियर ऑफ अबेंडनमेंट. अबेंडनमेंट मतलब कि सब लोग छोड़ देंगे, उसको अकेला छोड़ देंगे, उसका डर. फिर फियर ऑफ रिजेक्शन कि उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, उस तरह का डर. एंड फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, या फिर वो डर कि वो जितना उनके पास कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी नहीं है, उनकी लाइफ में अधूरे हैं वो, इस तरह के डर. तो ये डर से सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स परेशान होते हैं. सो काउंसलिंग प्रोसेस अगर हम देखें तो काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहला होता है एक बेटर डिसीजन लेना, हेल्प करना क्लाइंट को बेटर डिसीजन लेने में, उसकी पर्सनल स्किल्स को बढ़ाना, उनकी ग्रेटर उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, उनकी पर्सनल एकेडमिक या वर्क परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने में हेल्प करना, कॉन्फिडेंस दिलाना, कैरियर में डायरेक्शन देना, और खुद के बारे में अवेयर होना कि वो किस तरह के इंसान हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सारी ये काउंसलिंग का काम होता है. काउंसलिंग एक और चीज़ में होती है कि वो एक कम्युनिकेशन जो होता है, जो लोग अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपने क्लोज रिलेटिव के साथ करते हैं, उसको इम्प्रूव करना, ये भी काउंसलिंग के अंदर ही आता है. और जो इनकी जो फीलिंग होती है कि कैसे वो डिप्रेसिव और एंग्जाइटी फीलिंग से ओवरकम करें, कैसे कोप अप करें, ये भी काउंसलिंग हेल्प करता है. काउंसलिंग और भी तरह से हेल्प कर सकता है, जैसे कि उनके गोल क्या है लाइफ के क्लाइंट के, वो उनको डिफाइन करने में हेल्प करेगा. फिर काउंसलिंग जब भी होती है तो ये एक बहुत एक्टिव प्रोसेस होता है और इसमें जो भी सेशंस होंगे काउंसलिंग के वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट के अंदर हमने कितनी न्यू स्किल्स डाल दी और कितना क्लाइंट इनसाइट डेवलप कर पाता है खुद की. तो ये जो इंटेंसिटी है कंसर्न्स की, जो भी क्लाइंट को चाहिए है, क्लाइंट की नीड की और क्लाइंट की डिफ़िकल्टीज कितनी है, वो 4 to 8 सेशंस काउंसलिंग के तो लग ही जाते हैं ये सारी चीज़ें करने में. काउंसलिंग काउंसलर अगेन हेल्प कर सकता है क्लाइंट को कि जब भी वो हेल्प रिसीव करना चाहता है. देखिए, क्लाइंट की हम तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक कि क्लाइंट खुद विलिंग ना हो. अगर क्लाइंट विलिंग नहीं है तो काउंसलर कुछ नहीं कर सकता. तो काउंसलर को ज़रूरी है कि क्लाइंट में ये चीज़ें देखी कि क्लाइंट क्या हेल्प लेना चाहता है, दूसरा क्या वो सेशंस अटेंड करना चाहता है, क्या वो नई तरीके से सोचने में इंटरेस्टेड है, खुद को एंगेज करता है, और काउंसलिंग सेटिंग के बाहर भी क्या वो जो उसे एडवाइस दिया गया है उसको वो फॉलो करता है, एक्ट करता है कि नहीं करता है. अगर ये चीज़ें हैं तो क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट आएगी, और अगर ये चीज़ें नहीं है तो क्लाइंट इम्प्रूव नहीं करेगा. काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है इसके 3 स्टेप होते हैं, बिगिनिंग, मिडिल और एंड. और काउंसलर जो है ये इन स्टेप्स में हेल्प करता है इंडिविजुअल को सारे एस्पेक्ट लाइफ के देखने में.
पूरा आइडिया यही होता है कि क्लाइंट अपनी डिफिकल्टीज को एक्सप्लोर करे, एक्सपीरियंस करे क्या उसको फील होता है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकाले और सही डिसीजन ले। तो इसमें काउंसलर का रोल होता है। एक होती है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल है एक, जिसमें जो पर्सनालिटी, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करता है, इसमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्लाइंट की पर्सनालिटी कैसी है, उसकी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो कम्युनिकेट किस तरह से करता है। तो ये जो TA मॉडल है, TA काउंसलिंग जिसे कहते हैं, लोग इसके बारे में बोलते हैं, उसके पेरेंट्स, एडल्ट और चाइल्ड, इन सबके से बात करना होता है इसमें, और जितने भी उनके लाइफ में नेसेसरी पार्ट्स हैं उनकी लाइफ के, और उनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके बारे में बात करना होता है। एंड हर एक को एक बहुत रेस्पेक्ट के साथ और वर्थ के साथ डील करना होता है। जब हम क्लाइंट को हैंडल करते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस में, तो हम क्लाइंट को बहुत इज्जत से पेश आते हैं और ये सोच के बात करते हैं कि हर एक में कैपेसिटी होती है सोचने की और कमिट करने की, डिसीजन लेने की और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। तो ये जब हम फील कराते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट इम्प्रूवमेंट शो करने लगता है, यानी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो डिसीजन जब क्लाइंट लेता है, तो उसको पॉजिटिव आस्पेक्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है हर एक सिचुएशन के। जब वो पॉजिटिव आस्पेक्ट देखता है, तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ने लगता है। नाउ कमिंग टू स्टेप्स इन काउंसलिंग प्रोसेस। जो बेसिक स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग के, वो होता है पहले तो स्किल्स और एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करना कि कौन कौन से स्किल्स और एक्सपीरियंसेस हैं क्लाइंट में। फिर सेकंड, कन्फ्रंट करना अगर कोई चीज़ गलत करता है क्लाइंट, और एक केयरिंग पोजीशन से अगर हम देखें तो वो खुद को कितना रिलीव करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद को हमेशा ब्लेम ही करता रहता है, तो उसको ये बिलीव कराना कि उसमें कुछ एबिलिटीज़ हैं, हमेशा वो गलत नहीं सोच सकता खुद के बारे में। फिर नेक्स्ट है कि उसको री एक्सपीरियंस कराना, जो भी इवेंट उसके पास्ट में या प्रेजेंट में हुए हैं जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस है, और फील कराने के बाद उसको अल्टरनेटिव वे में महसूस कराना कि वो अल्टरनेटिव क्या था जो इससे ऐसी चीज़ें नहीं होती, सो दैट आगे जब ऐसी आए चीज़ें तो वो कैसे हैंडल करे उस चीज़ को। तो उसको सपोर्ट करना, उसको चैलेंज करना, उसको अच्छी चीज़ों में प्रैक्टिस कराना कि आगे अगर कोई इंटरेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, तो उसे किस तरह से बात करनी है सो दैट चीज़ें खराब ना हो, वो सब काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम देखें तो स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, इसमें रेड मार्क है, दैट मीन्स ये एग्जाम में आ चुका है प्रीवियसली और आगे भी आने की चांसेस हैं। जो इफेक्टिव लीडर होते हैं वो काउंसलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि वो 4 स्टेजेस में करते हैं। पहले तो वो नीड देखते हैं, आइडेंटिफाई द नीड फॉर काउंसलिंग, क्या ज़रूरत है, हम क्यों काउंसलिंग करना चाहते हैं, पहली चीज़ ये देखेंगे। दूसरा, काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तीसरा, काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे। और चौथा, फॉलोअप करेंगे। तो इनके क्या क्या मतलब है। आइडेंटिफाई द नीड फॉर काउंसलिंग मतलब पहले हम क्लाइंट के साथ बैठेंगे, क्लाइंट के बारे में समझेंगे कि उसके कंसर्न्स क्या हैं, किस बारे में वो हेल्प लेना चाहता है। उसके बाद सेकंड है प्रिपेयर फॉर काउंसलिंग। जब हमें ये पता चल जाएगा क्या उसको अचीव करना है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, तो हम काउंसलिंग देखेंगे कि कौन कौन से काउंसलिंग से उसको हेल्प मिलेगी, बेटर मैनेज कैसे किया जा सकता है उसका इशू, और उसको किस तरह की एजुकेशन देनी होगी। फिर काउंसलिंग जब हम करेंगे तो वो सारी चीज़ें कंडक्ट करेंगे, मतलब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हेल्प करेंगे क्लाइंट को ये समझने के लिए कि वो क्या क्या किस तरह से सोच सकता है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सकता है अपनी प्रॉब्लम्स के, और जो सॉल्यूशन है उसमें से बेस्ट कौन सा है जो वो अप्लाई कर सकता है अपनी लाइफ में। जब क्लाइंट शेयर करता है अपने थॉट्स, फीलिंग्स, तो वो ऐसे इंसान के साथ करना चाहता है जो पर्सनली उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट कोई उसको जज ना करे। तो काउंसलर एक ऐसा इंसान होता है जो उसके पर्सनली कॉन्टैक्ट में नहीं है, और वो आसानी से काउंसलर से अपनी चीज़ें शेयर कर सकता है अगर एक कम्फर्ट लेवल बन जाता है। फॉलोअप होता है कि क्लाइंट को जब हम ट्रीट कर देते हैं तो वो बीच बीच में हमें उनसे अपडेट लेना पड़ता है कि हाउ देयर लाइफ इज गोइंग ऑन विथ न्यू पर्सपेक्टिव्स, सो दैट इज फॉलोअप।
काउंसलिंग प्रोसेस फॉलोड बाय काउंसलर. काउंसलर को काउंसलिंग प्रोसेस क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन. सबसे पहले अगर आप काउंसलर हैं तो पहला स्टेप जो है वो आप क्लाइंट का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, यानी किस फैमिली से आ रहा है, किस जगह पे रहता है, माता पिता कौन है, माता पिता क्या करते हैं, खुद क्या करता है, फैमिली इनकम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आती हैं. एज क्या है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर इश्यूज, उसके क्या क्या इश्यूज हैं वो हमें लिखना पड़ता है. फिर केस फॉर्मुलेशन, फिर हम एक केस स्टडी बनाते हैं जिसमें हमें पूरी स्टोरी लिखनी होती है. ये पेशेंट आया, इसने हमसे क्या कहा, इसके साथ क्या क्या इश्यूज थे, वो सारी चीज़ें. फिर हम गोल सेट करते हैं थेरापेटिक प्रोसेस का, कि हमें कौन सी थेरेपी देनी है और उस थेरेपी को देते टाइम वो क्या क्या प्रोसेस आएगा. फिर इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन, जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी थेरेपी करे होगी, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं. फिर इवेल्युएशन ऑफ इंटरवेंशन, जो भी हमने उसके ऊपर अप्लाई किया था उसको हम इवेल्युएट करते हैं टेस्ट से, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह से, कि अब उसमें उसकी सोच में कितना परिवर्तन आया है हमारी काउंसलिंग से. एंड देन जब हमें लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री इंप्रूवमेंट हो गई एंड नाउ क्लाइंट कैन हैंडल इट्स इश्यूज बाय देमसेल्व्स, तो हम क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं काउंसलिंग, और एक जिसे हम टर्मिनेशन भी कहते हैं. फर्दर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये पूरा प्रोसेस की किस तरह से होता है. जैसे कि रिसेप्शन स्टाफ होता है जो सबसे पहले क्लाइंट से मिलता है, जो क्लाइंट की डिटेल्स लेता है, पर्सनल डाटा लेता है, इनिशियल इंटरव्यू करता है काउंसलर, फिर इनिशियल इंटरव्यू में डिस्कस करता है क्लाइंट के साथ कि वो उसको एक्सप्लोर करता है, उसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या इश्यूज हैं वो सारे देखता है. एंड देन काउंसलर को ये डिसाइड करना होता है कि क्या क्या काउंसलिंग में ऑप्शंस हैं. जैसे कि नो फर्दर काउंसलिंग. नो फर्दर काउंसलिंग उनकी होती है जो पहले ही अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ही, इनिशियल इंटरव्यू में ही क्लाइंट ये क्लैरिफाई कर देता है कि उसके कंसर्न क्या हैं, उसके प्लान क्या हैं और वो अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेगा. अगर ये सारी चीज़ें पहले ही सेशन में हो जाती है तो फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती. फर्दर अपॉइंटमेंट तब चाहिए होते हैं जब क्लाइंट को हमें एक्सप्लोर कराना होता है उसके इशूज़, जहाँ पर वो श्योर नहीं होता कि उसके इशूज़ क्या हैं, और फिर उस नेक्स्ट काउंसलिंग में उसको आगे की चीज़ें डिस्कस करनी होती है. अल्टरनेटिव सर्विस तब होती है जब हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट को काउंसलर से ज़्यादा किसी और चीज़ों की ज़रूरत भी है अपने ट्रीटमेंट में. फर्दर यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है. अगर हम देखें कि अगर हमने ट्रीटमेंट देना शुरू भी किया तो किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा. अगर आपको डिसाइड करना है कि कितने सेशन है, सपोज आप सही कोई क्लाइंट आके पूछता है कि मुझे काउंसलिंग चाहिए और आपको पता चल गया कि उसे काउंसलिंग चाहिए, हाउ वुड यू डिसाइड कि कितने सेशन लगेंगे, तो वो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं सेशंस. सो सेशंस आपको डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम की सीवियरिटी है, कितनी डीप प्रॉब्लम है उसकी, मोटिवेशन क्या है क्लाइंट का, क्लाइंट कितना पॉजिटिव है चेंज के लिए, कितना पॉजिटिव नहीं है, फिर टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है उसकी, देन एज क्या है क्लाइंट की, कितना फोकस्ड है और कितनी प्रॉब्लम उसकी लिमिटेड है, कितनी और शॉर्टर प्रॉब्लम है या बड़ी है. अगर शॉर्टर प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट भी शॉर्टर होता है. अगेन जो ट्रीटमेंट होता है वो अगर हीलिंग इंजरी इमोशनल इंजरीज हैं तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए उसमें जो सेशंस हैं उसमें ज़्यादा लगेंगे. तो इमोशनल इंजरीज में सेशन ज़्यादा लगते हैं. नाउ कमिंग टू प्रोसीजर्स इन काउंसलिंग प्रोसेस. जो हम काउंसलिंग करते हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट एस्टैब्लिश अ सेफ ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट. ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, ऐसा सेफ एनवायरनमेंट में तैयारी करें जो आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिपोर्ट बनाना है, सेकेंडली जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप बिठाएंगे क्लाइंट को वो भी बहुत सेफ होना चाहिए, ऐसा जहाँ उसको लगे कि भाई उसकी बात कोई और नहीं सुन रहा. सेकेंड, हेल्प द पर्सन पुट देयर कंसर्न इनटू वर्ड्स. ट्राई करें उसको कि वो अपने शब्द इतना कंफर्टेबल बनाएं क्लाइंट को कि वो अपने शब्दों में अपनी बात कह सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. थर्ड, एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग होता है कि आप पूरे अटेंटिव रहें एंड फाइंड आउट क्लाइंट्स एजेंडा, उसका क्या क्लाइंट क्या चाहता है अपनी लाइफ से, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें उसकी पूरी बात सुन के. तो ये दो तरह से हो सकता है. पैराफ्रेज मतलब जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसको रिपीट करके उससे बताएं कि हाँ क्या मुझे ऐसा आपने जैसा बोला कि आपके साथ ऐसी तकलीफ है
तो और आप इसको इस तरह से डील कर रहे हैं, तो जब आप उसी की भाषा में उससे बात करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। तो उसकी बात को आपको समराइज करना है, उसी की भाषा में बोलना है और रिफ्लेक्ट करना है और उसी से समझना भी है आपको। सेकंड, फोकस ऑन फीलिंग्स एंड नॉट इवेंट्स। आपको उसकी फीलिंग्स पे ध्यान देना है क्योंकि आप उसको काउंसिल करेंगे, आप उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। तो आपको उसकी फीलिंग्स पे ध्यान देना है, ना ही उसके इवेंट्स के, लाइफ के इवेंट्स पे नहीं। उस ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इनटू गोल स्टेटमेंट। उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसी को ही हमें गोल बनाना है, सो दैट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाए। एक्सप्लोर पॉसिबल अप्रोचेस टू गोल, और हम फिर पॉसिबल जो भी सॉल्यूशंस है उस प्रॉब्लम के, उसको हम को देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है। हेल्प पर्सन चूज वन वे टूवर्ड्स गोल। अब जो भी गोल्स उसने बहुत सारे चूज किए हैं कि ये सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम उसको हेल्प करेंगे चूज करने में। देन कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कराएंगे पूरा प्लान का। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना इसलिए ज़रूरी है कि बीच में कुछ गड़बड़ हो तो वो आपको परेशानी ना हो, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ता है क्लाइंट के साथ। फिर हम समराइज करेंगे क्या हुआ, क्लैरिफाई करेंगे और वेरिफिकेशन भी करेंगे कि तुम क्लाइंट ने हमसे क्या कहा, क्या क्या उसकी सफरिंग थी, और फिर वो उसको बता के उसे यस भी करवाना है कि हाँ उसने यही चीज़ बोली है। और फीडबैक और कंफर्मेशन भी लेते रहना है कि जो भी वो हमें पता लगता है तो हम उसका फीडबैक लेंगे, उसको जैसी फीलिंग आई है या वो हमसे कुछ सीखा है या उस पे चेंज आया है, उसका फीडबैक लेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। काउंसलर का ढंग से सुनना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जब वो ढंग से सुनता है तो क्लाइंट के अंदर ये बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाता है कि ये इंसान मेरी बात सुन रहा है, मेरी फीलिंग्स, मेरे बिहेवियर, मेरे थॉट के ऊपर ध्यान दे रहा है। और हमें इनके सारी चीज़ों पे एक्सप्लोर भी करना है कि ये जो जो हम हमसे बोल रहे हैं, इनकी फीलिंग्स जो भी है। और जब भी हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन इस तरह के नहीं होने चाहिए जो उसको डराने वाले लगें। क्वेश्चन इस तरह से पूछना है सो दैट उसका थॉट प्रोसेस जो है उससे वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सके, वो अपने अंदर की चीज़ें बता सके। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करना है और जो चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं उसमें हमें हेल्प करना है। तो ये काउंसलिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है, 3 मेजर स्टेजेस होते हैं इस प्रोसेस में, डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, वर्किंग इन अ रिलेशनशिप एंड टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप। सो जब हम ये काउंसलिंग करते हैं तो ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो इसका क्या मतलब है, कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ये? तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें काउंसलर जो है वो स्ट्रक्चर बताता है पूरी काउंसलिंग का, मतलब क्या काउंसलर क्या करेगा, क्लाइंट का क्या काम होता है वो हमें क्लाइंट को समझाना पड़ता है। क्लाइंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि काउंसलिंग का नेचर क्या होता है, काउंसलिंग किस तरह से उसको हेल्प करने वाली है, वो काउंसलिंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, उसकी फीलिंग्स एंड थॉट्स वो अच्छे से किस एटमॉस्फेयर में, काउंसलर जिस एटमॉस्फेयर में क्लाइंट को बिठा के उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझे और हेल्प करे उस रिलेशनशिप को ग्रो करने में, डेवलप करने में। और जब ये क्लाइंट को ये फील होगा कि काउंसलर जेन्यून है और उसकी केयर करता है उसके वेलबींग की, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन अप होएगा और अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। तो जेन्यूननेस बहुत ज़रूरी है, रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी जैसे मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया, एम्पैथी का मतलब होता है उसकी सिचुएशन में खुद को रख के महसूस करना कि वो कैसा महसूस करता होगा, कि अगर हम उसकी जगह होते तो हमारे को कैसा फील हो रहा होता, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। सो सॉलिड रिलेशनशिप जब डेवलप हो जाती है तो ये सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगता है जहां पे वो क्लाइंट कंफर्टेबल फील करता है और वो अपने बारे में बताना शुरू करता है और अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताना शुरू करता है। और काउंसलर जो है वो एडवाइस करेगा सुनने के बाद। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी आँखों से उससे बात करें, आप स्माइल दें बीच बीच में जब ज़रूरी है, और हर चीज़ मतलब उसको इस तरह का एहसास दिलाएं बॉडी लैंग्वेज से कि आप उसको सुन रहे हैं एंड यू आर टोटली फॉर देम। सो इस तरह का आपको बिहेव करना है। और किसी कंक्लूजन में इमीडिएटली आपको नहीं जाना है, आपको जज नहीं करना है क्लाइंट को। कुछ जो टास्क होते हैं या जिसका ध्यान रखना होता है काउंसलर का, वो ये कि लेइंग फाउंडेशन फॉर ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट पैदा करना है, स्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर,
इन्फॉर्म कॉन्सेंट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है उसको, ये जो भी आप करें तो उसको बता के करेंगे, छुपा के कुछ नहीं करेंगे. एंड देन आर्टिकुलेटिंग रोल्स ऑफ काउंसलर, उसको ये भी बताना है कि काउंसलर का क्या रोल होगा, क्लाइंट का क्या रोल होगा, और कोलैबोरेटिव वर्किंग अलायंस बनाएंगे. गेटिंग टू नो यू फेस क्रिएट करना है, जहाँ पे क्रिटिकल स्टेजेस होती है रिलेशनशिप की, जैसे कि रैपोर्ट बिल्ड करना, कोर कंडीशन नेसेसरी जो होती है काउंसलिंग की वो क्रिएट करना. अब है डेवलपिंग रैपोर्ट एंड बिल्डिंग ट्रस्ट. जब हम रैपोर्ट बनाते हैं और ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि एक है प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. जब ये फर्स्ट स्टेज होता है रिलेशनशिप का जो बहुत क्रिटिकल होता है, प्रिडिक्टेबल होना और कंसिस्टेंट होना, यानी कि जो कंसिस्टेंसी पता चलती है कि आपने अगर कोई अपॉइंटमेंट दिया है उसको तो उस टाइम पे आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है. जब आप उस टाइम पे वहाँ अवेलेबल होते हैं तो ये अपने आप ही ट्रस्ट बिल्डिंग होने शुरू हो जाती है और आपकी कंसिस्टेंसी भी प्रूव हो जाती है. टेस्टिंग कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं वो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपॉइंटमेंट लेंगे लेकिन आएंगे नहीं, वो देखेंगे कि काउंसलर का रिएक्शन कैसा है, वो क्या वो चिढ़ जाता है ऐसा करने से. तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग में आती है जो यंगस्टर जनरली करते हैं चेक करने के लिए. स्टैब्लिश कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी भी क्लाइंट की कोई भी बात कहीं बाहर ना निकले, ये इंश्योर करना काउंसलर का काम है और ये इंश्योर करवाना भी काउंसलर का काम है. क्लाइंट को बताना कि जो भी वो बताएगा वो कहीं और नहीं जाएगी, यहीं पे दोनों के बीच में ही रहेगी बात, ये बहुत ज़रूरी है. तो जब क्लाइंट को ये ट्रस्ट हो जाता है तो वो ओपन अप होना शुरू हो जाता है. गोल सेटिंग में हम गोल सेट करते हैं कि क्या ये ट्रांजिशंस इनटू स्टेज टू, ये दो स्टेजेस में हो सकता है. स्टेज वन में तो हम टाइम लेते हैं, एक कम से कम पहला जो सेशन होता है उसमें हमें एक तो पक्का गोल बना लेना चाहिए क्लाइंट के साथ कि क्या आगे हमें गोल रखना है, उसका क्या अचीव करना है, उसके बाद फर्दर गोल्स हम देख सकते हैं. कोर कंडीशंस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल काउंसलिंग, अगेन इट हैज़ गॉट रेड टिक, यानी कि ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है. कोर कंडीशंस जो हैं वो रॉजर ने जो दी थी वो तीन दी थी. एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब एम्पैथी रखना, वही समझना जो उसका अंदर है, उसके साथ जो हो रहा है वो हमें भी महसूस हो, उस तरह का रैपोर्ट और रिलेशनशिप को प्रमोट करता है एम्पैथी, कि अगर आप किसी के साथ एम्पैथेटिक हैं तो अपने आप ही आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी और रिलेशनशिप भी डेवलप होगा. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि हमेशा उसको इतनी इज्जत दीजिए कि वो उसको लगे कि उसकी कोई वर्थ है, वो अपने आप को स्पेशल समझना शुरू कर दे. कंग्रुएंस का मतलब होता है जेन्युइन सेल्फ को दिखाना, खुद को. जब आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं तो आप नकली बन के मत करिए, आप जो असली हैं वो बन के करिए. तो ये रॉजर के तीन पॉइंट थे. देन कारकफ ने भी दिए थे कुछ पॉइंट, जैसे कि रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ करता है फोकस को. जब आप रेस्पेक्ट देते हैं तो वो इंसान उस रेस्पेक्ट के साथ अपने आप को महसूस करने लगता है. कन्फ्रंट्रेशन बहुत रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट व्यू को प्रमोट करता है, यानी कि आप अगर वो गलत बात कर, अगर वो कुछ नेगेटिव बात करता है तो आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह से तुम तो पहले ऐसा सोच रहे थे अब तुम ऐसा सोच रहे हो. तो जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से उसको कन्फ्रंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लाइन पे आना शुरू हो जाएगा. इमीडिएसी, यानी कि हियर एंड नाउ एटीट्यूड बनाना, यानी कि उसी वक्त सब उसे ये, अगर वो टालता है कि नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तो उसको रोकना है कि नहीं उसे अभी करना है जो भी करना है. देन कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है अटेंशन पे करना एक प्रैक्टिकल प्रोसेस में, यानी कि ऐसे ही कि मनगढ़ंत बातें नहीं करना है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसी पे ही आपको ध्यान देना है. सेल्फ डिस्क्लोजर, ये आप अपनी भी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स बता के उसको समझा सकते हैं कि आपने कैसे डील किया, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. उससे ये प्रमोट करता है पॉजिटिव परसेप्शन एंड अप्रोप्रिएट फोकस. वर्किंग इन अ रिलेशनशिप, ये हम कर रहे हैं जैसे मैंने बताया था, ये हमारे तीन स्टेप थे, डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, वर्किंग इन अ रिलेशनशिप एंड टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप. तो डेवलपिंग अ रिलेशनशिप में तो ये था हमारा, ये पूरे पॉइंट्स जो थे.
फिर हम अब कर रहे हैं वर्किंग इन अ रिलेशनशिप. जब आप वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप में, यानी कि क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है? एक तो म्यूचुअल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल के बीच में, और उसके जो क्लाइंट को अप्रोप्रिएट लीड देनी है आपको, यानी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको चेक करना है वो सही डायरेक्शन है या नहीं है. देन उसको चैलेंज करना उसके परसेप्शंस को अगर वो गलत तरीके से सोचता है. मल्टी फोकस्ड रेस्पॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है. एक्यूरेट एम्पैथी ज़रूरी है. सेल्फ डिस्क्लोजर ज़रूरी है. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ. इमीडिएसी, कन्फ्रंट्रेशन, कॉन्टैक्ट्स एंड रिहर्सल्स, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है. रिहर्सल्स का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ नई बिहेवियर उसको सिखाया है तो उससे बार बार रिपीट करवाना है, सो दैट उसको याद रहे कि जब ऐसे सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है. चेंजिंग परसेप्शंस में अगर हम देखें तो चेंजिंग परसेप्शन का मतलब होता है कि उसका जो डिस्टॉर्टेड अनरियलिस्टिक परसेप्शंस है उसको चेंज करना, उसके थॉट को उससे एक्सप्लोर करवाना सेफ विद इन सेफ्टी लिमिट्स, और उसको बोलना कि जज करो ये जो तुमने किया है ये ठीक किया था, और उसको समझा के उसका नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर में करना है. मतलब यू नीड नॉट टू जज दैट पर्सन, उसको हमेशा एक्सेप्टेंस दिखाना है कि आप एक्सेप्ट करते हैं नो मैटर व्हाट, बट उसके परसेप्शन चेंज करने में उसको हेल्प करना है, उसको रीफ्रेम करना है उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको पॉजिटिव व्यू पॉइंट दिखाना है हर एक का, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं वो बताना, उसको बोलते हैं चेंजिंग परसेप्शन. अगेन लीडिंग का मतलब वही है कि क्लाइंट के जो परसेप्शन है वो उसको हमेशा हमें परसुएसिव स्किल्स से और डायरेक्शन देना होगा. मतलब उसको बार बार प्रेशराइज करना होगा, इतना भी नहीं कि वो परेशान होकर आपसे भाग ही जाए, लेकिन आपको ऐसा उसको पर्सुएड करना है कि वो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहे कि हाँ ठीक है ये सही कहते हैं और बार बार कह रहे हैं मतलब सही है, ऐसे करके. एक्यूरेट एम्पैथी का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही फील करना जैसे कि वो क्लाइंट की दुनिया में आप ही हैं. दो कंपोनेंट होते हैं एम्पैथी के, एम्पैथेटिक रैपोर्ट, इसमें होता है कि एक्यूरेटली सेंस करना और क्लाइंट के वर्ल्ड को उसी तरीके से देखना, और दूसरा होता है कम्युनिकेटिव एट्यूनमेंट. कम्युनिकेटिव एट्यूनमेंट का मतलब होता है वर्बली शेयर करना अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट के साथ. मतलब आप क्या समझे क्लाइंट से, क्लाइंट ने जो आपको प्रॉब्लम बताया आप क्या समझे, तो आप जो समझे उसको बात बोल के उससे बताना क्लाइंट को, वो होता है कम्युनिकेटिव एट्यूनमेंट. ये एक्यूरेट एम्पैथी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ. इसके दो कंपोनेंट आप लिखेंगे, एम्पैथेटिक रैपोर्ट एंड कम्युनिकेटिव अट्यूनमेंट. फिर दूसरा, दो टाइप्स की एम्पैथी होती है, एक प्राइमरी एम्पैथी होती है और एक एडवांस्ड एम्पैथी होती है. प्राइमरी एम्पैथी होती है वो एबिलिटी जो रेस्पॉन्ड कराती है इन सच अ वे कि जो क्लाइंट और काउंसलर जो है काउंसिल का दोनों ने अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर दिया है क्लाइंट का मेजर थीम्स, क्लाइंट की क्या क्या प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ लिया है. एडवांस्ड एम्पैथी का मतलब होता है ये वो प्रोसेस है जो हेल्प करता है क्लाइंट को अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर करने में, इश्यूज और इमोशंस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है. सो ये उसकी अवेयरनेस को बढ़ाता है नए इमोशंस के लिए, तो उसको बोलते हैं एडवांस्ड एम्पैथी. मतलब एक होता है उसकी प्रॉब्लम को समझना और दूसरा होता है उसकी प्रॉब्लम को समझ कर उसका इलाज निकालना, सोल्यूशन निकालना, तो एडवांस्ड एम्पैथी में वो आता है सोल्यूशन निकालना. सेल्फ डिस्क्लोजर में भी रेड मार्क है, यानी एग्जाम में आ चुका है. सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब कि जो क्लाइंट काउंसलर जो है वो मॉडरेट लेवल पे पॉजिटिवली देखेगा और बताएगा, डिस्क्लोज करेगा हाई या लो लेवल पे खुद की आप बीती कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें. और काउंसलर जो है डिस्क्लोज करके ये चीज़ें उसको क्लियर कर सकता है. सेल्फ डिस्क्लोजर जो होता है ये इन इन तरीकों से हो सकता है. काउंसलर की खुद की प्रॉब्लम बता दो, या फिर जो फैक्ट्स है काउंसलर के रोल के बारे में वो बता देना कि काउंसलर का क्या रोल होता है. फिर काउंसलर का रिएक्शन जो होता है क्लाइंट का फीडबैक वो, या फिर काउंसलर का रिएक्शन काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए कैसा है वो बताना, ये सेल्फ डिस्क्लोजर होता है कि तुम हमें क्लाइंट के साथ जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसको कैसा फील हो रहा है, आपको खुद कैसा फील करते हैं उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने में, ऐसी चीज़ें बताने से उसका माइंड सेटअप चेंज होता है.
पॉजिटिव रिगार्ड ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में और भी आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव रिगार्ड मतलब हमेशा उसको एक्सेप्टेंस शो करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, बीइंग यूनिक एंड वर्थवाइल, ये बहुत ज़रूरी है। उसको हमेशा एम्ब्रेस करना है क्लाइंट को, कभी उसको डाउन फील नहीं कराना है, उसको जज नहीं करना है। अब रेस्पॉन्डिंग स्टाइल की बात करें तो काउंसलिंग जो है वो लोगों को हेल्प करती है अपनी फीलिंग्स को समझने में, रेस्पॉन्ड करने में, और काउंसलर डिफरेंट रेस्पॉन्डिंग स्टाइल्स होती हैं क्लाइंट की, जैसे कि अफेक्टिव रेस्पॉन्डिंग होती है, मतलब वो फीलिंग पे फोकस होते हैं। बिहेवियरल रेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक्शंस और बिहेवियर पे होते हैं। कॉग्निटिव रेस्पॉन्स का मतलब होता है थॉट्स एंड कॉग्निशन पे रेस्पॉन्स होता है। नाउ कमिंग टू इमीडिएसी, इमीडिएसी जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इमीडिएसी इन्वॉल्व करती है काउंसिलर की अंडरस्टैंडिंग और किस तरह से वो बात कर रहा है जो काउंसिलर और क्लाइंट के बीच में जा रही है, वो हेल्प करेगा दोनों के रिलेशनशिप को ग्रो करने में। दो तरह की इमीडिएसी होती है, रिलेशनशिप इमीडिएसी जो क्लाइंट और काउंसिलर के बीच में होती है, एंड हियर एंड नाउ इमीडिएसी जो फोकस करती है कि एक पर्टिकुलर इवेंट को उस सेशन के, तो सिर्फ उस सेशन में क्या बात हो रही है उसी पे ध्यान दिया जाएगा। ह्यूमर, ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो उसकी सेंसिटिविटी और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है काउंसिलर की उस वक्त। ऐसा नहीं है कि नया जोक आया और आपने मार दिया उसके सामने और वो गलत उसके ऊपर चला गया, तो डीमीन करने का कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आप उसका मजाक उड़ाने लगे क्लाइंट का। तो ह्यूमर जब आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना होगा। नाउ कन्फ्रंट्रेशन, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि उसका कोई बिहेवियर है जो उसके प्रोग्रेस में बाधे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इंटरफेयर कर रहा है, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ करने से आपका ये चीज़ गलत हो रहा है, और उसमें ग्रोथ, चेंज और हेल्दी फंक्शनिंग में ये इंटरफेयर अगर कर रहा हो तो। ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रेड मार्क्स वाले हैं। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है जो क्लाइंट है उसको, वो अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है काउंसलर के ऊपर, जो उसने बचपन में कहीं सहा होगा कुछ, उसने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ फेस की होगी जो उसके अंदर अभी भी है और वो परेशान है उस चीज़ को लेकर, तो कभी कभी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए वो उसका एग्रेशन काउंसलर के ऊपर निकाल देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रेशन हो, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ उसकी लव वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है जो वो काउंसलर के ऊपर निकाले। काउंटर ट्रांसफरेंस होता है जो काउंसलर का प्रोजेक्शन होता है, इमोशनल रिएक्शन होता है क्लाइंट के ऊपर, उसका बिहेवियर होता है, ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए काउंटर ट्रांसफरेंस, क्योंकि ये जो काउंसलर है फिर वो डिज़ायर करेगा क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के साथ टाइम स्पेंड करना सेक्सुअल रिलेशनशिप या सोशल रिलेशनशिप का, तो अगर ऐसा होता है तो काउंसलर को सुपरविजन की ज़रूरत होती है, कोई और हेड की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ थर्ड स्टेप है टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप। अब मैं ये थर्ड पार्ट में चले गए हैं काउंसिलर के, जैसे मैंने बताया था तीन प्रोसेस होता है, डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, वर्किंग इन अ रिलेशनशिप एंड टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप। तो डेवलपिंग अ रिलेशनशिप हम कर चुके हैं, वर्किंग इन अ रिलेशनशिप भी कर चुके हैं, नाउ टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। जब भी हम रिलेशनशिप, ये जो काउंसिलिंग सेशन है, काउंसिलिंग का पूरा प्रोसेस है, इसको टर्मिनेट करते हैं, तो अगर ये अच्छे एंड पे ख़त्म हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सेशन का गोल अचीव हो गया, पूरा जो हमने काउंसलिंग में डिसाइड किया था कि ये गोल अचीव करना है वो हो गया, तो बहुत अच्छा है, वो फेज बहुत सही है। लेकिन फॉर्मल टर्मिनेशन जब होता है तो वो तीन फंक्शन करता है, एक तो ये कि काउंसलिंग फिनिश हो गई है और ये टाइम है जब क्लाइंट को अपनी लाइफ चैलेंजेस खुद फेस करने होंगे, दूसरा है जो चेंजेस आए हैं वो जनरलाइज होंगे नॉर्मल बिहेवियर में, मतलब कि क्लाइंट अपने रियल लाइफ में उन चेंजेस को अप्लाई करेगा। थर्ड टर्मिनेशन के बाद क्या हम देख सकते हैं कि क्लाइंट है वो मैच्योर हो गया है और थिंक और एक्ट करने लगा है इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली। ये तीन चीजें अगर हमने देख ली तो यानी हमने काउंसलिंग अच्छे से फिनिश कर दी है, अब जरूरत नहीं है। लेकिन जब टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन आता है तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि काउंसलर में टर्मिनेशन के टाइम पे ये अपने से सवाल पूछने चाहिए काउंसलर को, पहला क्या क्लाइंट ने वो अचीव किया बिहेवियरल कॉग्निटिव या अफेक्टिव गोल जो हमने सोचा था, दूसरा क्या क्लाइंट अच्छे से वो सारी चीजें शो कर रहा है, प्रोग्रेस शो कर रहा है जो वो एकम्प्लिश करने वाला था उसमें, या काउंसलिंग रिलेशनशिप हेल्पफुल
थी कि नहीं थी, देन जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमने काउंसलिंग अरेंजमेंट किया था वो हमने चेंज हुआ है, जिस कॉन्टेक्स्ट को लेकर काउंसलिंग शुरू हुआ था क्या वो चेंज हुआ, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमें खुद से पूछना है जब हम टर्मिनेट करने वाले होते हैं काउंसलिंग को। कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस आती है टर्मिनेशन में, काउंसलर की तरफ से भी आ सकती है, क्लाइंट की तरफ से भी आ सकती है, उनको ऐसा फील होने लगता है कि हमसे कुछ चीज़ छूट रही है, उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगता है, उनको उनको बुरा लगने लगता है। तो क्लाइंट के लिए ये एक प्रोसेस का ही पार्ट है, लेकिन अगर काउंसिलर के साथ ऐसा हो रहा है तो काउंसिलर को सुपरविजन की ज़रूरत है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी हमें करना पड़ता है कभी कभी, जैसे कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट प्री मैच्योर टर्मिनेशन कैसे करता है कि वो गोल ख़त्म होने से पहले ही भाग जाता है, वो अपॉइंटमेंट लेता ही नहीं है, और अपॉइंटमेंट मिल जाए तो वो आना नहीं चाहता है, या तब हम क्या करते हैं, अच्छा आइडिया यही होता है कि सेशन को ख़त्म कर लिया जाए अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है। काउंसिलर का क्या होता है, काउंसिलर कब करता है प्री मैच्योरली, जब उसको ये लगता है कि क्लाइंट इनसे हमसे नहीं सुधरेगा, वो उसको कहीं और भेजना पड़ेगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उस केस में, हम रिफरल बना देते हैं, हम किसी और काउंसिलर के पास भेज देते हैं उसकी प्रॉब्लम को देखने के लिए। रीजंस ऑफ रिफरल क्या हो सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर या एक्शन है जिसकी वजह से रिफरल बनाया गया है, या फिर दूसरे काउंसिलर का जो आपके पास नेम है आप उसके पास भेज सकते हैं। आपको याद रखना है कि काउंसिलर कभी भी फॉलो अप नहीं करता कॉन्फिडेंशियलिटी इशू की वजह से। जैसे सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड काउंसिलर के पास एक पेशेंट को भेज दिया जिसकी काउंसलिंग आप कर रहे थे, नाउ यू शुड नॉट आस्क अबाउट दैट पेशेंट टू योर फ्रेंड काउंसिलर। आप अपने फ्रेंड काउंसिलर से पूछ नहीं सकते कि वो जो मैंने पेशेंट भेजा था ना अभी उसका क्या स्टेटस है, वो सब आप नहीं पूछ सकते, ये आपका राइट नहीं है। फॉलो अप का मतलब होता है कि आप बीच में एक और सेशन लगा लें और उस क्लाइंट को काफ़ी टाइम के बाद बुलाएं और उसे डिस्कस करें कि उसे इवेलुएट करें कि चेक करें कि क्लाइंट में कितना चेंज आया है, उसको बोलते हैं फॉलो अप करना। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ डैम इम्पॉर्टेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग काउंसिलिंग प्रोसेस। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काउंसिलिंग को पे असर डालती हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब पूरा आप जो काउंसिलिंग प्रोसेस करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, काउंसिलिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, कंडीशंस कौन कौन सी होती है, पूरा प्रोसीजर कैसा चलेगा, क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे, क्लाइंट का क्या रोल है, वो सारा चीज़ें वो स्ट्रक्चर में आता है। और आपको बताना है कि क्लाइंट के राइट क्या हैं, आपके राइट क्या हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या सक्सेस काउंसलिंग की सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आप ये भी बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल गाइडलाइंस क्या हैं, टाइम लिमिट सेशन की क्या होगी, कितने सेशंस होंगे, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना है, रोल लिमिट क्या होगी, प्रोसीजरल लिमिट क्या होगी, वो सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। तो पूरा का पूरा काउंसलिंग कैसे चलेगा वो चीज़ें बताएंगे। कभी कभी क्लाइंट आते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता क्लाइंट काउंसलिंग होती क्या है, क्या होना है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जो आप बता सकते हैं। इनिशिएटिव की बात करें तो इनिशिएटिव का मतलब होता है ये मोटिवेशन, किस तरह का मोटिवेशन है क्लाइंट का। कई बार क्लाइंट जो होते हैं बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो आना नहीं चाहते काउंसलिंग के लिए, तो जो कई क्लाइंट बहुत आराम से इनिशिएटिव लेके आते हैं, तो कभी कभी जब क्लाइंट रिलक्टेंट होते हैं तो काउंसलर को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो कभी कभी काउंसलर भी बड़े इम्पेशेंट और इरिटेटेड हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो भगा देते हैं क्लाइंट को, नहीं करते उनकी काउंसलिंग। सो हमें रोल रिवर्सल एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि हमें क्लाइंट के मेंटल स्टेट को समझने के लिए उसी के स्टेट में सोच के झांक के देखना पड़ेगा एम्पैथेटिकली कि मेंटल स्टेट किस तरह का है क्लाइंट का। तो क्लाइंट भी कई तरह के होते हैं। एक होता है रिलक्टेंट क्लाइंट। रिलक्टेंट क्लाइंट वो होता है जिसको रिफर किया गया है, किसी थर्ड पार्टी ने रिफर किया है, वो बिल्कुल अनमोटिवेटेड है, बिल्कुल हेल्प नहीं लेना चाहता है और काउंसलिंग के लिए आना भी नहीं चाहता है। तो रिलक्टेंट क्लाइंट जो होते हैं वो काउंसलिंग टर्मिनेट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा प्री मैच्योरली, पूरा काउंसलिंग खत्म होने से पहले ही, और हमेशा डिससेटिस्फैक्शन ही बताते हैं हर बात पे।
दूसरे तरह के जो क्लाइंट होते हैं वो होते हैं रेजिस्टेंट क्लाइंट, जो अनविलिंग होते हैं या फिर अपोज्ड होते हैं चेंज के लिए. वो चाहते ही नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई चेंज आए. वो काउंसलिंग के लिए तो आएंगे, एक्टिवली सीक करेंगे काउंसलिंग, लेकिन वो ना कोई उन्हें चेंज बताओगे तो वो मानेंगे नहीं, करना ही नहीं चाहेंगे. कोई भी पेन नहीं लेना चाहते वो लोग. तो इस तरह के क्लाइंट्स भी होंगे. सो हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला तरीका है कि हम उनकी जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डिफेंसिवनेस है क्लाइंट की, उसको हम एंटिसिपेट करें. दूसरा तरीका है कि हम एक्सेप्टेंस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग शो करें, जजमेंटल एटीट्यूड ना शो करें. थर्ड है पर्सुएशन, उसको हमेशा पर्सुएड करा, पर्सुएशन से कि नहीं आप ऐसा ऐसे करो वैसे करो, जिस तरह से हम उसको उसके एक्शन पे जोर डाल सकते हैं. फोर्थ वे है कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट करना उसकी कोई गलत सोच है तो उस पर उसको रोकना कि ये चीज़ गलत सोचते हो. नेक्स्ट है जो फैक्टर्स हैं वो है सेटिंग्स, फिजिकल सेटिंग्स की बात कर रहे हैं कि रूम कितना कंफर्टेबल है, कितनी लाइटिंग कैसी है, क्वाइट रूम है कि नहीं है, क्लटर तो नहीं है रूम में, हारमोनियस एंड कंफर्टेबल फर्नीचर है कि नहीं है. फिर जो प्रोफेशनल्स हैं जनरली जब काम करते हैं तो वो श्योर इंश्योर करते हैं कि प्राइवेसी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, शांति हो, कम्फर्ट हो. ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्वाइट एंड कम्फर्ट. सो जब हम करते हैं क्लाइंट के साथ काम तो काउंसलर जो है ये मैसेज दे कि मैं सुन रहा हूँ आपकी, ये मैसेज जाना चाहिए. और वर्बली एंड नॉन वर्बली दोनों तरीके से सुनना है. वर्बली मतलब मुंह से बोलकर, एंड नॉन वर्बली मतलब कि आपके बिहेवियर से ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत अटेंटिव है. आपका और क्लाइंट के बीच में डिस्टेंस 30 से 39 inches होना चाहिए ऑन एन एवरेज कंफर्टेबल फील कराने के लिए. एक सोलर करके है, दिस इज डैम इम्पॉर्टेंट, ये आ चुका है सेटिंग वाला एग्जाम में. और ये सोलर SOLER ये एक्रोनिम है जो आपका सिटिंग किस तरह से होना चाहिए वो बताता है सेशन में. फर्स्ट है एस, एस का मतलब होता है स्क्वायरली, फेस दी क्लाइंट स्क्वायरली. जब आप बैठेंगे तो आपका पोस्चर स्क्वायरली होना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एक एंड पे आप बैठे हैं तो उसके सामने वाले एंड पे आपका क्लाइंट बैठना चाहिए, उसको बोलते हैं फेस दी क्लाइंट स्क्वायरली. ओ मतलब ओपन पोस्चर, एडॉप्ट एन ओपन पोस्चर, ओपन पोस्चर. इसका मतलब ये है कि आपके दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए, जमीन को टच करने चाहिए, और आपके हैंड्स फोल्डेड होने चाहिए. एल लीन, लीन टूवर्ड्स हिम और हर, एज यू फेस योर क्लाइंट लीन टूवर्ड्स हिज और हर, मतलब कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना है स्पेस नीड्स का. ये नहीं कि बिल्कुल ही उसके ऊपर चढ़ गए हैं, आप थोड़ा सा पीछे होके बैठे हैं, लेकिन इस तरह से हो कि ऐसा लगे कि आप उसी को सुन रहे हैं. ई मतलब आई कॉन्टैक्ट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको ऐसा नहीं शो कराना कि आप उसकी बात सुन के शर्मिंदा हो रहे हैं या आपको अनईजी फील हो रहा है. आपको उसकी आईज में देख के बात करनी है, ऐसा शो करना जैसे आप कंसर्न्ड है और इंटरेस्टेड है. आर मतलब होता है कि रिलैक्स, आप रिलैक्स्ड हैं. आप जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आप रिलैक्स्ड हैं, आप ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे. तो ये सोलर जो है ये इसके फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, इसको आपको तैयारी करना है. क्लाइंट क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये बाकी के दो जो लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं अपने, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. मैंने कुछ इसमें कोड वर्ड्स भी डाले हैं जो आपको हेल्प करेगा. क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट को वो काउंसलर ज़्यादा पसंद है जो उनके जैसे होते हैं. जो अगर काउंसलर की पर्सनैलिटी क्लाइंट जैसी है या क्लाइंट की पर्सनैलिटी काउंसलर जैसी है तो ये सबसे बढ़िया रिलेशनशिप मानी जाती है, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप मानी जाती है एस्टैब्लिश करने के लिए. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेस्ट वर्क करती है क्लाइंट के लिए और किस किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं. जैसे कि एक जो क्लाइंट है जो सबसे सक्सेसफुल कैंडिडेट माना जाता है काउंसलर का, उसको बोलते हैं यावस, YAVIS, यावस. सो यावस का फुल फॉर्म क्या है? वाई से होता है यंग, ए से होता है अट्रैक्टिव, वी से होता है वर्बल, आई से होता है इंटेलिजेंट एंड एस से होता है सक्सेसफुल. यानी कि ऐसा क्लाइंट जो यंग है, अट्रैक्टिव है, वर्बल मतलब बोलने वाला है, इंटेलिजेंट है और सक्सेसफुल है, तो वो यावस कैंडिडेट सबसे बढ़िया होता है काउंसलिंग के लिए. दूसरा वाला जो क्लाइंट होता है उसको बोलते हैं हाउंड. हाउंड का मतलब होता है एच से होमली, ओ से ओल्ड, यू से अनइंटेलिजेंट, एन से नॉन वर्बल एंड डी से डिसएडवांटेज्ड. मतलब ऐसा क्लाइंट जो बिल्कुल ही होमली है, ओल्ड है, बूढ़ा है, अनइंटेलिजेंट मतलब बिल्कुल ही दिमाग से नहीं सोच पाता, नॉन वर्बल मतलब बोलता भी नहीं है ठीक से, डिसएडवांटेज मतलब बहुत गरीब है.
थर्ड तरह का क्लाइंट होता है जिसको डड कहते हैं, DUD, डी से डम, यू से अनइंटेलिजेंट एंड डी से डिसएडवांटेज्ड। समझ तो गए होंगे आप। तो ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम में लिख के आने के लिए, देख लीजिए ध्यान से, ये आता है एग्जाम में। रिगार्डिंग काउंसलर, काउंसलर को भी वही अच्छा माना जाता है जिसका बॉडी जेस्चर आई कॉन्टैक्ट बनाता हो, फेशियल एक्सप्रेशन एंड वोकल क्वालिटी हो वो वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो क्लाइंट की क्लाइंट में ये चीज़ कंसिडर करते हैं काउंसिलर्स। कल्चरल बैकग्राउंड जो क्लाइंट का होता है वो दिमाग में रख के ही उनसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं टिपिकल एथिकल बैकग्राउंड के, जिनको पसंद नहीं होता आई से आई कांटेक्ट करना, वो नीचे आँख करके ही बात करते हैं। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें किन के साथ नहीं करनी है और किन के साथ कर सकते हैं हम। फिर है काउंसिलर्स क्वालिटी, काउंसिलर की क्या क्वालिटी होती है। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट ओकन ने 1992 में 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताए थे काउंसिलर्स के। इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है हैक्स, ये वर्ड ऐसा है जो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस अलग है लेकिन मैंने यहाँ पे हैक्स वर्ड इसके लिए चूज किया है। एच से ऑनेस्टी हो जाएगा, ए से एबिलिटी टू कम्युनिकेट हो जाएगा, सी से कंग्रुएंस हो जाएगा, के से नॉलेज हो जाएगी और एस से सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगेन जो क्लाइंट होता है वो उनके कल्चर को देखते हुए जो काउंसलर वर्क करता है, तो क्या क्लाइंट क्या देखता है काउंसलर में, इसके लिए भी मैंने ईट वर्ड बनाया है। ईट मतलब ई से होता है एक्सपर्ट, ए से होता है अट्रैक्टिव एंड टी से होता है ट्रस्टवर्दी। ठीक है, अभी इसका सबका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है। एक्सपर्ट कौन माना जाता है, काउंसलर वो एक्सपर्ट माना जाता है जो नॉलेजेबल है और जो खुद की स्पेशलिटी के बारे में इन्फॉर्म्ड है, जिसको पता है कि उसकी में क्या खूबियां हैं। अट्रैक्टिव का मतलब होता है वो जो क्लाइंट से बहुत सिमिलर है वो अट्रैक्टिव माना जाएगा क्लाइंट की नज़र में। अगर काउंसलर जो है खुद को अट्रैक्टिव बनाने कैसे बना सकते हैं, अगर सपोज मुझे अट्रैक्टिव बनना है किसी क्लाइंट के लिए तो क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या मुझे मेकअप करके जाना है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा जो मुझे एकदम क्लियर स्पीकिंग मेरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, मैं साफ साफ बात कर सकूं, सिंपल सेंटेंस में बात कर सकूं और अप्रोप्रिएट सेल्फ डिस्क्लोजर कर सकूं, मतलब जहां जरूरी है वहां मैं अपने बारे में उनसे बात कर सकूं। टी से था ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है कि आपको उसके साथ सिंसियर रहना है, कंसिस्टेंसी शो करनी है। तो काउंसलर की जेन्युइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लाइंट के लिए, और ओवर द टाइम अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। सो दिस वॉज द यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 1 ग्रुप बी MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी। Friends, I hope you learnt through this video. Thanks for watching my videos and please do comment below the video so that I get motivation through your comments, and do subscribe my channel. Do not forget to press the notification bell and do not forget to share my videos. मैं बहुत ज़रूरी है कि आप इन videos को share करें, मैं बहुत effort ले रही हूँ आप लोगों के लिए, और अगर ये हर एक बच्चे तक नहीं पहुँचता है तो somewhere I feel कि इसका मेरे videos बनाने का मकसद पूरा नहीं हुआ। So please share my videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.